गाइस, दिस इज पीयूष कुमार सिन्हा और आप लोग को वेलकम है द क्यूब गाइड चैनल में। और इस चैनल में हम लोग आपका ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आप लोग को क्लियर कर रहे हैं, जो क्लास टेंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इससे पहले भी हम लोग 3 या 4 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पे बना चुके हैं, जो आगे के एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का हम लोग सॉल्व किए थे। और अब हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री के एकदम सबसे लास्ट पोजिशन में आ चुके हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपसे पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। लगभग आप कहिए तो 10 से 15 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग से पूछा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए साइन ए इनटू बाय सॉरी साइन ए कॉमा सेक ए एंड टैन ए इन द टर्म ऑफ ए कॉट ए। तो आपको ये जितना भी है ना, इसका रेशियो बताना है कॉट ए के टर्म में। तो एक फॉर्मूला आप लोग के दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए, कॉस एक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं आते तो मेरे सबसे पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने फॉर्मूला को बहुत बेहतरीन तरीका से बताया हूँ, और उस फॉर्मूला में आप लोग देख सकते हैं और लर्न करिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए ये आपका फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा का स्क्वायर थीटा ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब क्या कर सकते हैं, ये 1 बाई साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक आप जानते भी होंगे, हम लोग यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, ये जो 1 है टर्म, इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, आपका ऊपर में आ जाता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर ए को साइन ए, ये स्क्वायर को हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 का रूट 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 तो रह जाएगा लेकिन नीचे में बाय रूट हो जाता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको ये आपका साइन के टर्म में ये आपका सॉल्व हो गया है। तो हम लोग को सेक के टर्म में देखना होगा, तो ये आपका सेकंड टर्म में देखना होगा इस टर्म में, तो सेक ए के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन थीटा को cot थीटा से रिलेट करें तो क्या हो जाता है, tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उस चीज को पुट कर सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपको हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा 1 cot स्क्वायर थीटा। ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, cot एलसीएम लेंगे तो cot स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस 1 ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, अगर sec स्क्वायर थीटा तो sec थीटा तो यहाँ पे अगर रूट देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई cot स्क्वायर थीटा। तो ये रूट से ये स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, तो ये cot थीटा से निकल जाएगा, sec थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई cot थीटा। तो ये आपको sec के टर्म में सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड देखेंगे,
तो अब इसमें आपको टैन के टर्म में आपको दिखाना है, तो वो तो बहुत इजी है। टैन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, ये आपका फॉर्मूला भी होता है और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, बोल रहा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन ए टर्म ऑफ ए सेक ए। तो अब जितना भी होगा ना आपका, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और ये कॉट थीटा, तो सबको आपको सेक ए के टर्म में आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले साइन थीटा के टर्म में आपको सॉल्व करना होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है, हम पहले भी आप लोग बोल चुके हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये आपका साइन स्क्वायर ए यहाँ पे रहने देते हैं, और इक्वल टू ये आपका प्लस में, इक्वल टू किधर चला जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है। तो 1 माइनस sec² थीटा हो जाएगा। देखिएगा साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, sec² a माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है यहाँ पे तो ये इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू रूट बाय sec² a माइनस 1। तो ये वाला तो रूट से, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा साइन ए इक्वल टू रूट ओवर sec² a माइनस 1 बाई sec² a। तो ये आपका साइन के टर्म में आपका हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसी में आपको कॉस के टर्म में, जो बहुत इजी है, कॉस के टर्म में तो आपका सॉल्व हो गया है। कॉस के टर्म में क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो कॉस के टर्म में क्या रहता है, 1 बाई सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा कॉस के टर्म में। तो अब आपका बचेगा टैन के टर्म में, तो देखते हैं। टैन ए के टर्म में, तो टैन ए के टर्म में क्या होता है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब यहां पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह, ये जो आपका आया था इसको आप लिख सकते हैं sec² a - 1 बाय sec ए, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं बाई कॉस ए है, तो ये कॉस ए की जगह हम लोग 1 बाई sec a लिख सकते हैं। तो देखिएगा आप लोग, वन बाई सेक है तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा sec² a - 1 बाय sec a, और ये जो है आपका जो डेनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में था वो डेनोमिनेटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा sec a - 1, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा रूट ओवर sec² a - 1। तो ये आपका टैन के टर्म में आया।
अब बचेगा हम लोग का कॉसेक के टर्म में, ये जितना भी है ना एक आप निकल गया तो बस एक ही फॉर्मूला से आप सब में पुट कर सकते हैं। अब हम लोग को कॉसेक के टर्म में निकालना है तो कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए होता है, बस 1 बाई साइन ए में जो आपका आया है उस चीज को पुट कर दीजिए। 1 बाई साइन ए के में क्या आप लिख सकते हैं, रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। तो ये आपका क्या चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा sec a by root over sec square a minus 1। तो ये आपको किसके cosec के टर्म में हो गया। अब बचा लास्ट आपका cot टर्म, आपका cot टर्म, तो cot a इक्वल टू आपका हो जाएगा cos a बाई sin a। तो cos a की जगह आप पुट कर सकते हैं 1 बाई sec a बाई sin a की जगह sec स्क्वायर a माइनस 1 बाई sec a। तो आपका क्या होगा इक्वल टू 1 बाई sec ए, और ये जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा इनटू sec यहां पे आपका sec ए रूट ओवर sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये इससे कैंसल हो जाएगा, बचेगा आपका 1 बाई रूट ओवर sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका जितना भी एक टर्म निकल गया ना साइन टर्म, साइन जो है निकल गया, तो आप फिर सब जितना में ऑल अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला उसमें आप उसको पुट करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन दिया आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा साइन स्क्वायर 63 ठीक है प्लस ये साइन स्क्वायर 27 को हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन पढ़े हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ठीक है। तो यहां पर हम लोग प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 63 कर सकते हैं ठीक है। यहां पे आपका कॉस 17 डिग्री को कॉस स्क्वायर 17 ठीक है प्लस ये कॉस 73 को भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जस्ट इसका आपको ये फॉर्मूला होता है कॉस 90 थीटा डिग्री माइनस इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहां पे आपका कॉस 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री होगा, देखिएगा। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा होता है, जो पहले फॉर्मूला में आप लोग को बताया है। तो ये हो जाएगा आपका साइन
17 डिग्री। तो एक दिख रहे साइन स्क्वायर थीटा भी सेम है आपका, यहाँ पे भी थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला में पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो ऊपर में भी वन हो जाएगा, नीचे में भी वन हो जाएगा, तो वन बाई वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका वन, ये आपका इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका दिया है 3 का सेकेंड क्वेश्चन है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन, साइन 25 डिग्री, ये कॉस 65 को हम लोग ये फॉर्मूला भी पुट किए थे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये दोनों फॉर्मूला में इस क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कॉस 65 है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस, यहाँ पे आपका क्या है कॉस 25 डिग्री है, ये साइन को साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, तो इनटू कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। तो ये देख रहे साइन और इनटू साइन है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री यहाँ पे। अब देख रहे हैं यहाँ पे भी 25 डिग्री, यहाँ पे भी 25 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ये आपका वैल्यू पुट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग को जितना भी हम बता रहे हैं मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं, और भी किन्हीं को क्वेश्चन में डिफिकल्ट हो रहा है तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में हम लोग को बता सकते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करके आप लोग को वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके बाद का जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आगे का जितना भी हो, आपको ट्यूसडे को हम लोग अपलोड करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक करिएगा हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।